सतनामी समाज के क्रांतिवीर राजा गुरु बालकदास बाबा जी की 215वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को बेमेतरा में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के पूर्व सतनामी समाज के दिनेश चतुर्वेदी ने गुरु बालकदास के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर गुरु गद्दी व जयत खाम की पूजा अर्चना किया। शोभा यात्रा के दौरान डीजे धुमाल के साथ समाज के युवक युवतियों द्वारा पंथी सतनाम अखाड़ा द्वारा शौर्य प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि सतनामी समाज के क्रांतिवीर राजा गुरु बालकदास बाबा जी के 215वीं जयंती के मौके पर बेमेतरा में 26 अगस्त शनिवार को विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज की ओर से शोभा यात्रा के दौरान डीजे धुमाल के साथ समाज के युवक युवतियों के द्वारा पंथी सतनाम अखाड़ा स्वेत ध्वज के साथ कोबिया चौक से शाम 4 बजे नेशनल हाईवे 30 मुख्य मार्ग से होते हुए सिग्नल चौक, प्रताप चौक, परशुराम चौक व मोहभट्टा रोड जैत खाम में समाप्त हुई। सिग्नल चौक पुराना बस स्टैंड पर जमकर आतिशबाजी व अखाड़ा और शौर्य प्रदर्शन किया गया। साथ ही युवक युवतियों द्वारा पंथी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। शोभा यात्रा का किसान नेता योगेश तिवारी और भाजपा के पूर्व विधायक अवधेश चंदेल ने गुरुगद्दी व जयत खाम की पूजा अर्चना की। वहीं किसान नेता योगेश तिवारी ने शोभा यात्रा में शामिल समाज को फलों का वितरण भी किया। साथ ही सिग्नल चौक में बाबा बालकदास के द्वारा बताए गए मार्ग व गुरु वंशजों के द्वारा दिए गए उपदेशों पर चलने की बातें कही गई। बेमेतरा के विधायक आशीष छाबड़ा को कोसते हुए कहा कि बाबा के चौक का निर्माण किया रोध गया। इस कार्यक्रम में जिला सतनामी समाज के अलावा सर्व समाज के सामाजिक बंधुओं ने राजा गुरु बालकदास के 218वीं जन्म जयंती के रूप में यहां पर युवा सतनामी समाज के द्वारा यहां पर रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सांस्कृतिक जो विधा है, पंथी है, अखाड़ा है जो हमारे सामाजिक प्रतीक अखाड़ा, और कुछ शस्त्रबाजी के साथ जो हमारे समाज के शौर्य को प्रतीक करता है उनके साथ यहां पर शांतिपूर्ण यहां पर हम लोगों ने रैली निकाले हैं। और कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपना संदेश देना चाहते हैं कि आज हमारी यूनिटी इतनी तगड़ी है कि जो हम लोगों के ऊपर चाहे आरक्षण को लेकर या अधिकारों को लेकर जो हमारे पर कटाक्ष हो रहा है, इसके माध्यम से हम संकेत देना चाहते हैं, अगर सरकार हमारे साथ इस तरीके से रवैया को बंद नहीं करेगी तो आने वाले चुनाव में उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। 29 आज गुरु बालकदास जी की जयंती है, हम जयंती मनाने के लिए सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और सतनाम सेना द्वारा एक शोभा यात्रा निकाला गया है जो पूरा शहर में भ्रमण कर रहा है, जिनका हम लोग स्वागत करने के लिए नगर घड़ी चौक में बेमेतरा आज उपस्थित हुए हैं। आज परम पूज्य बाबा बालकदास जी ने जो संदेश दिया मन के एक समय, हम लोग सब चाहते हैं कि सभी समाज में इसी तरह स्नेह प्रेम भाव बना रहे और हम लोग एक दूसरे का सम्मान करें, और परम पूज्य बाबा जी ने जो संदेश दिया है उसको आत्मसात करते हुए इस समाज को एक एक माला में फिरोते हुए हम लोग सब बड़ी खुशहाली से छत्तीसगढ़ वालों सब एक साथ एकजुट से रहें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।